दुर्ग के बघेरा स्थित आनंद सरोवर भवन में एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पीस ऑफ माइंड चैनल द्वारा चलाए जा रहे प्रसिद्ध कार्यक्रम समाधान के बारे में बताया गया। ब्रह्मा कुमारी के पीस ऑफ माइंड चैनल द्वारा चलाए गए प्रसिद्ध कार्यक्रम समाधान के द्वारा कलयुगी दुनिया में उलझे हुए समस्याओं से घिरे हुए लाखों मनुष्य आत्माओं को अध्यात्म का सत्य मार्ग दिखाकर समस्याओं से मुक्त कर उनका जीवन सुख शांति से संपन्न बनाने वाले श्रद्धे सूर्य भाई के एक दिवसीय प्रवास पर ब्रह्मा कुमारी के बघेरा स्थित आनंद सरोवर में आगमन हुआ, जहां विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए बताया कि हमारे हर संकल्प से ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे मैंने संकल्प किया कि मैं देव कुल की पवित्र आत्मा हूं, तो पवित्र ऊर्जा पैदा हुई और दैवी संस्कार जीवन में आने लगेगा। दैवी संस्कार अर्थात सुख देने की, शांति देने की, खुशी देने की भावना। वहीं ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय माउंट आबू से आई ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि परमात्मा हमारी क्षमता को बढ़ाता है। पल पल भगवान की मदद को अनुभव करें, चिंता मेरी हो सोचे वो भगवान को ऐसा साथी बना ले। परमात्मा हमारे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता, किंतु हमें हिम्मत देता है, मार्गदर्शन करता है। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी दुर्ग की संचालिका रीटा बहन ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया व मंच संचालन ब्रह्मा कुमारी रूपाली बहन ने किया। एनर्जी जनरेट होती है, ये बहुत सुंदर सत्य है, परम सत्य। जैसे हमने संकल्प किया, मैं देव कुल की पवित्र आत्मा हूं, तो इस संकल्प से, आत्मा से पवित्र एनर्जी पैदा होगी और वो क्या करेगी, हमारे अंदर जो जन्म जन्म का देवत्व भरा हुआ है, सबको पक्का होना चाहिए। कितने जन्म हम देवता रहे, इस प्रकार के आ जाते हैं जब हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता, उस समय हम भागने की कोशिश करते, बचने की कोशिश करते। कोई कोई तो सोचता अब जीकर ही क्या करें, परंतु हम एक बात याद रखेंगे कि ये सृष्टि भूगोल कैसी है, इसमें बाहर भागने का कोई भी दरवाजा नहीं है। जहां से भागेंगे वहीं आकर रुकेंगे, इसलिए भागने का तो कोई औचित्य है ही नहीं। आजकल सुसाइड्स केस बढ़ रहे हैं, वो भाग ही तो रहे हैं। एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।